हेलो गाइस, आपके साथ एक अपडेट शेयर करनी थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन में मदरसन सुम्मी का एक टेक्निकल चार्ट है। इसमें आप देखिए जो कैंडल है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल है, जो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल है आप देखोगे जून 7 से लेके 1 तक के बीच में एक बार प्राइस बड़ा हाई गया था, क्योंकि उस दिन मदरसन सुम्मी के क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट आए थे जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे। इस करके बहुत सारी बाइंग हुई और स्टॉक का प्राइस क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा 275 के आसपास टच होके आया, पर वो नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया। सेलिंग हुई, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और निकले तो प्राइस थोड़ा क्या गया, डाउन आ गया। पर जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था 245 के आसपास, वो इसकी स्पॉट बन चुका है। आप ध्यान से देखो, उस दिन से 7 जून के बाद 14-15 जून तक ये 245 के एरिया पे ही स्पॉट लिए हुए है। अब जब भी 249 को क्रॉस करेगा और थोड़ी सी बाइंग दिखेगी, आपको नीचे बाइंग दिख रही होगी, देखो जून 3 या 4 के आसपास कितनी ज़्यादा बाइंग है। अब जब आपको ये यहाँ पे क्या है 200 EMA को क्रॉस कर रहा है, देखो यहाँ पे नीचे जब ये नीचे बाइंग है, जब 275 को कैंडल टच कर रही है, वहाँ अप ट्रेंड चला हुआ है। ग्रीन वाली जो है लाइन वो 50 मूविंग एवरेज है और ब्लैक वाली 200 मूविंग एवरेज है। अब ये नीचे डाउन आ गई 11-12 जून के आसपास, देख रहे हो आप, इसको क्रॉस करने वाली है। बाकी दोबारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, पर फ्रेश बाइंग जब 249 से वॉल्यूम ब्रेकआउट दे तब अच्छा जाएगा और नेक्स्ट टारगेट होगा 275 का। थैंक यू दोस्तों, ऐसी अपडेट के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।